हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? दिस इज़ प्रतीक पटेल फ्रॉम निफ्टी मिलियनर। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे ये रेंज कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करे, तो आज बैंक निफ्टी ने एक अच्छा सा बड़ा मूव दिया। बट निफ्टी में आज आप देखेंगे ऐसा कोई बड़ा मूव नहीं है। आज निफ्टी को मतलब जो स्ट्रांग था वो उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखाया, बट जो वीक था उसने आज स्ट्रेंथ दिखाया, राइट? सो दैट इज़ अ गुड साइन, बिकॉज निफ्टी का सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट अगर देखने जाओ तो बैंक निफ्टी है। सो लेट सी इन अ ब्रॉडर, सेम कल जो हमने डिस्कस किया था, ब्रॉड ट्रेंड इसके नीचे जाएगा तो ही वीक होगा, अदरवाइज देर इज़ नो वीकनेस। बट लेट सी ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। सो सबसे पहले लेवल ये है जो 19,500 के आसपास जो फ्यूचर में है, उसको अगर क्रॉस करे तो फिर नेक्स्ट जोन है 19,700। बट हाउ कैन आई टेक द ट्रेड्स? जैसे मान लो यहाँ पे कोई ब्रेकआउट आया, फिर यहाँ पे कहीं पे सस्टेन करेगा निफ्टी, देन आई कैन लुक फॉर लॉन्ग इन इंट्राडे, नॉट पोजिशनल। जब ये जो पॉइंट है 19,720 के अराउंड, उसको क्रॉस कर देगा कंसिस्टेंटली फॉर मे बी वन और टू आवर, देन आई कैन लुक फॉर लॉन्ग पोजिशनल इन अ निफ्टी, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर। शॉर्ट अपने को इसके नीचे ही करना है, जब तक इसके नीचे जाके सस्टेन नहीं करता और ऐसा कोई लो रिस्क अपॉर्चुनिटी नहीं देता, वी कैन नॉट थिंक अबाउट शॉर्टिंग, राइट? सो आई होप यू आर क्लियर दैट मार्केट जो काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, तो बैंक निफ्टी ने आज रिजोल्यूशन अपसाइड किया है। क्योंकि बैंक निफ्टी हम काफ़ी बार डिस्कस कर गया कि बैंक निफ्टी एक डिमांड जोन के एरिया में है यहाँ पे, और बेयर्स इतने स्ट्रांग होते तो इतने दिन नहीं लगाते अगर नीचे जाना होता। और आज क्या हुआ, वी हैव सीन द वन बिग ग्रीन कैंडल, राइट? सो मीन्स मार्केट हैज़ गिवन अ बग बिग अपवर्ड रिजोल्यूशन। सो अब देखेंगे कितने दिन का मूव खत्म किया, एक दो तीन चार पाँच छः दिन का मूव बैंक निफ्टी ने लॉन्ग साइड में एक दिन में ख़त्म किया। तो कल आपको याद हो तो हमने एक डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में एक इंट्राडे पोजिशन अपॉर्चुनिटी तब बन सकता है जब मान लो यहाँ के इसके ऊपर कहीं पे सस्टेन करे, तो आप देखो ये सस्टेन मिला आपको, देन एक ब्रेकआउट आया, तो एक अच्छा सा इंट्राडे में आज अपॉर्चुनिटी मिला। और कल का टाइटल भी था कि ऑप्शन बायर का टाइम आ गया है, राइट? तो आज ऑप्शन बायर्स को एक अच्छा मौका मिला पैसा बनाने का। सो बैंक निफ्टी में नाउ यू कैन लुक फॉर, अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करे तो यहाँ पे कहीं पे कंसोलिडेशन करे और फिर ब्रेकआउट आए तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज, राइट? सो बैंक निफ्टी में जब 45,200 के ऊपर निकलेगा तो उसका ब्रॉड ट्रेंड भी पॉजिटिव हो जाएगा। सो उसके ऊपर जाएगा तो वी कैन लुक फॉर लॉट ऑफ पोजिशनल लॉन्ग पोजिशन। अब शॉर्ट हम कब कर सकते हैं? शॉर्ट अब जब मान लो बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है 44,000, मोटा मोटी मान लो यहाँ से गैप डाउन और वहाँ पे यहाँ कहीं सस्टेन करे, देन वी कैन लुक फॉर शॉर्ट ओनली, अदरवाइज वी शुड अवॉइड शॉर्ट। वी शुड कीप लिकिंग लॉन्ग इन बैंक निफ्टी। मान लो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे रिट्रेसमेंट मिलता है और फिर कंसोलिडेट करता है फिर ऊपर जाता है तो भी यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। आइदर बैंक निफ्टी यहाँ पे ही कहीं पे सस्टेन करता है देन फिर ब्रेकआउट आता है तो यू कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑलवेज अलाइनिंग योर सेल्फ विद द मार्केट। सो आई होप जो कल ऑब्जर्वेशन किया था कि अगर बैर्स इतने मजबूत है तो मार्केट को इतने दिन क्यों रुका दिया, और आज देख लो बैर्स की वीकनेस मार्केट के सामने आ गई, राइट? सो लेट सी द फिन निफ्टी। फिन निफ्टी भी आप देखेंगे आज ऑलमोस्ट काफ़ी दिन का मूव उसने क्रॉस किया, एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया। सो सेम वे फिन निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे आज बैंक फिन निफ्टी जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करता है तो उसका ब्रॉड ट्रेंड तेजी में नहीं आता है, 20,110 या 20,200 मोटा मोटी। तो फॉर टुमारो इसके नीचे जाएगा जो ये आज का रिसेंट लो है 19,500 के नीचे अगर जाएगा तभी जाके फिन निफ्टी कैन बी अ वीक, ये स्पॉट के लेवल है। अदरवाइज यू कैन कीप लुकिंग, मान लो यहाँ पे ही कहीं पे सस्टेन करे या नीचे में थोड़ा आए 19,680 के आसपास और फिर वहाँ पे सस्टेन करे, राइट? जैसे एग्जांपल, वन मिनट मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट? सो मान लो दो सिनेरियो है कल के लिए, मान लो यहाँ पे कहीं पे आए और फिर यहाँ पे कहीं सस्टेन करे और फिर ऊपर जाए, राइट? तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। आइदर फिर निफ्टी यहाँ ही कहीं पे कंसोलिडेशन करे थोड़े टाइम के लिए और फिर ब्रेकआउट आए तो वी कैन लुक फॉर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट अपने को इसके नीचे जाए तभी करना है, अदरवाइज वी शुड अवॉइड शॉर्ट, राइट? बिकॉज द मार्केट इज नॉट गिविंग अस अ गुड रिस्क रिवॉर्ड। मेक श्योर फिर निफ्टी इसके ऊपर जाएगा तभी जाके उसका ब्रॉड ट्रेंड तेजी में आएगा। सो वी आर प्लेइंग अ काउंटर ट्रेंड एंड आप देख सकते हो स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज अगेन नया हाई बना दिया। सो कीप राइडिंग दिस ट्रेंड टिल इट इज़ देयर, देर इज़ नो इश्यू, राइट? सो वी विल कीप डिस्कसिंग इफ देर इज़ एनी रिस्क अराइजिंग, राइट? और कभी भी कोई भी ऐसा एवरी डे वी आर डिस्कसिंग स्मॉल कैप, राइट? तो जो रिसेंट लो है या इसके नीचे जाए, राइट, 11,700 11,500, देन वी कैन थिंक अबाउट रिस्क। अदरवाइज ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन,
So ride the trend till the trend is there, right? Don't try to predict. So thank you so much, and see what is there into the market. See what is there into the market, not what you want to see, right? This is the biggest learning of my trading or investing career. जो आपके सामने उसको देखने की कोशिश करो, जो नहीं है उसको मत देखो, राइट? जो आपको देखना है, मतलब तो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि हमें जो देखना है हम वही देखते हैं, राइट? सो थैंक यू सो मच, सी यू ऑल टुमारो.